धरती का कर्ज भी तूने ही उतारा है, जिसने भी लूटा उसे तूने ललकारा है। दुश्मन सरमायादार तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए अच्छे दिन आए हैं। माफिया के सामने तू डट के खड़ा है, केस कश्मीर का दलेरी से लड़ा है। अफगान हुए बेदार, रंग लाए तेरे अफकार, अच्छे दिन आए हैं अच्छे दिन आए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या वाकई मुश्किलें टल गई हैं, अच्छे दिन आ गए हैं? नाज़रीन, आज पीटीआई की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, और इन 3 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, हुकूमत ने इन 3 सालों में आपके लिए, हम सब के लिए क्या किया, इसे बताने के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में खुसूसी और रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें वीडियो रिपोर्ट्स के ज़रिए जहां प्राइम मिनिस्टर के सियासी सफ़र और जदोजहद के दिखाया गया, वहीं उनके हुकूमत में आने के बाद किए गए बड़े बड़े कामों का जिक्र भी किया गया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने बताया कि इन 3 सालों में हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, ज़रई असलाहत प्रोग्राम और कामयाब नौजवान प्रोग्राम समेत बहुत से दूसरे मनसूबे और कई फलाही प्रोग्राम्स शुरू किए। क्या कहा आज प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था, आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मुला के 16.4 अरब डॉलर था, और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। हमारे जो टैक्स कलेक्शन थी जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी, आज वो पहुंच के 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। हमारी रिमिटेंसेस थी जब हम आए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे, 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रिमिटेंसेस पहुंच गई है 29.4 अरब डॉलर। आज हमारे जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। म्यूजिक और डॉक्यूमेंट्री से भरी इस तकरीब में जहां मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम पर हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश करती रही, वहीं करंट अकाउंट खसारे में भी वाज़े कमी लाने का दावा किया गया। हुकूमत इस बात का भी क्रेडिट लेती रही कि कोरोना वबा के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया, और इससे आवाम जो थे वो मुश्किल से बचे, भूखा मरने से बचे, जिसे बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी बहुत ज़्यादा सराहा और हमारी पॉलिसीज़ को अपनाया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी कारकर्दगी बताते बताते अपोजिशन पर तनकीद करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि एक माफिया है जो फ़ौज को बदनाम करने पर लगा हुआ है। उन्होंने तस्लीम किया कि माजी में मैंने भी फ़ौज पर तनकीद की। क्या कहा इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ज़रा देखिए। ये इन 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स थी, मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर। कोई भी इदारा है, अदली है, वो भी गलतियां करती है, फौज भी गलतियां करती है, हम पॉलिटिशियंस गलतियां करते हैं, लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दें। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी दावा किया कि जहां मईशत की शरह नमू में इजाफा हो रहा है, वहीं ज़र मुबादला के ज़खायर भी 27 अरब डॉलर के साथ तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल्स, कारों की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, मुल्क में जो बरामदात हैं इनके बढ़ने के अदाद शुमार भी दिए गए, मगर ज़मीनी हकायक भी क्या यही कहते हैं? बात यह है कि क्या आवाम हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से खुश है? क्या महंगाई का खात्मा हो चुका?
क्या बेरोजगारी का खात्मा हो चुका, क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो एहतसाब का एक नारा लगाया था, क्या एहतसाब का उनको रिजल्ट क्या मिला, क्या वो मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, क्या अपोजिशन भी हुकूमत के इस दावों को मानती है, इसी पर मैं बात करूंगी। वज़ीर आज़म के मुआविने खुसूसी अली नवाज़ अवान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज़ अवान साहब। बड़ी रंगारंग तकरीब आज सजाई गई 3 साल कारकर्दगी को बताने के लिए। अपोजिशन ये कह रही है आप लोग तो कंटेनर से उतरे नहीं हैं, ऐसी तकरीबात सजा कर दिखा कर लोगों को बहला कर, इसका ये मतलब नहीं है कि 3 साल कारकर्दगी में आपने यहाँ पर जो है ना वो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। एहतसाब के नाम पर आप लोग जो है ना वो अपोजिशन को जो है ना वो तंग कर रहे हैं। महंगाई यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, गुर्बत यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, तो किन नंबर्स की बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब आज? अच्छा, थैंक यू। देखें, आप समझती हैं हम जिस सिस्टम के फॉलोअर्स हैं वो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम है, और वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम की जो डेमोक्रेसी होती है वो आंसरेबल होती है। पाकिस्तान में लोग इस चीज़ के आदी नहीं है, और हम हर साल आप समझते हैं कि हमने एक साल गुजारा उसके बाद हमें आंसरेबल है। वैसे ये चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये चीज़ वाकई काबिल सताइश है। इस पर आप लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोग अपनी कारकर्दगी अच्छी है बुरी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इसका ये तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बताते हैं इस पर आप लोगों को वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए। और देखिए ना, जब हम बताते हैं तो फिर उसके ऊपर डिबेट होती है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, उसका लॉजिकल जवाब देना पड़ता है। असल चीज यही होता है, माशरे इसी तरह इवॉल्व होते हैं, बट क्योंकि हम एक वो किंगशिप में से निकले तो उसमें ये था नहीं, ये रवैया नहीं रखा जाता था, तो लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है। सेकेंडली, हमारा मंशूर है खुददारी है, हमारा मंशूर है इंसानियत, हमारा मंशूर है इंसाफ, हमने उसके ऊपर आंसरेबल है, हम उसके मुताबिक अपनी चीज़ों ने अपने आप से इम्प्लीमेंट किया, कई चीज़ों पे हम 100% हमने इम्प्लीमेंट किया, उस पर आप उस पर राय रख सकती हैं, कई जगह हम नहीं कामयाब हुए अभी तक, तो उसके बेस पे एक तकरीब रखी गई थी और वो सबको बुलाया भी गया था, मीडिया भी इन्वाइटेड था, तरीके इंसाफ के लोग भी इन्वाइटेड थे, और अपनी परफॉर्मेंस हमने लोगों के सामने रखी। लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस जब आप लोग प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे, तो एक आम आदमी जब देख रहा तो यही सोच रहा था कि उसकी हालत तो नहीं बदली है। आप देखें डॉलर कहां पर चला गया है, रुपया कितना नीचे गिर गया है, जिसका ज़ाहिर है डायरेक्ट असर जो है वो आपकी मईशत पर पड़ रहा है। महंगाई होगी, हमारे गर्दशी कर्जे कहाँ पर पहुँच गए हैं, बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, तो अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी को आप रख कर देखें तो इस कारकर्दगी को अगर हम ये कहें कि बहुत अच्छी रही 3 सालों की, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा देखें, पहले सबसे पहले आ जाते हैं, हमने हमारा मंशूर का हिस्सा है खुददारी। खुददारी के ऊपर आपके सामने हमारे पाकिस्तान की बहुत अरसे बाद एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई गई और उसी के ऊपर फैसले किए गए। डू मोर से वो शुरू होती है और एब्सोल्युटली नॉट तक जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आपको कहती है डू मोर, हम कहते हैं नो मोर, और दुनिया की सबसे सुपर पावर आपसे एक्सपेक्टेशंस रखती है और हम कहते हैं कि हम अमन का साथ दे सकते हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उससे पहले आपने पता है एक इस्लामी मुल्क जिसकी बहुत बड़ी बात हुई, बहुत इसके ऊपर ले दे हुई, सबने टीवी शोज किए, शायद आपने भी उसके ऊपर टीवी शो किया कि एक बार हम जब आए थे हमारी इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था, उस इस्लामी मुल्क ने हमें हेल्प आउट किया, बट एक फैसले के ऊपर ये उन्होंने कहा कि आपने ये वाला मतलब उसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक क्या कह सकते हैं डबल राय आई थी, पर उस पर पाकिस्तान ने अपनी खुददारी के ऊपर फैसला किया और पाकिस्तान ने उसके ऊपर उस मुल्क का जो लोन था वो भी उतारा। आज हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की जो खुददारी है, जो फॉरेन पॉलिसी है खुददारी की बेस पे, आप उस पर हमें आप अपना नंबर देना चाहती हैं आप दें। उसके बाद इंसानियत को हमने बेस बनाया था और कहा था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाएंगे, एहसास उसके ऊपर सबसे बड़ा आपके सामने मिसाल है, अखुवत आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है, उसके अंदर जो पनाहगाह हैं, उसके अंदर जो लंगर खाने हैं, उसके अंदर जो आपके स्टंटेड ग्रोथ के जो बच्चे हैं और जो औरतें हैं जिनके घर खवातीन के घर जो लड़कियाँ पैदा होती हैं उनको जो स्टाइपेंड दिया जाता है, स्कॉलरशिप जो दिए जाती हैं। अभी तो ये प्रोग्राम शुरू होने, आज तो वो बता रहे थे कि खवातीन के लिए खास प्रोग्राम अभी शुरू कर रहा है। Yes, उसे पार्ट ऑफ दैट है जो हो चुका हुआ है कि दुनिया ने आपको 240 अरब रुपया जो आपने स्टिमुलस पैकेज दिया कोविड के अंदर एहसास के नीचे, आपको दुनिया में नंबर 3 रैंक किया गया कि किस तरह वो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा, हर 3 में से एक घर तक पहुंचा और कितने स्पीडी और कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचा, ये भी आपके सामने। उसके बाद आप ये बात करते हैं कि जो हमने बात की थी कि हम खुददारी की बेस पे अपनी इकॉनमी को टर्न अराउंड करेंगे, वो हमने करके दिखाया। हमने कंजम्पशन प्रेस ग्रोथ नहीं की, हमने एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ
ग्रोथ की, 4.5% पे आपकी ग्रोथ है, आज आपकी एक्सपोर्ट चल दुनिया में 2.2 बिलियन से बड़ी है जो नून लीग छोड़ के गई थी, आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है 18% से, ऑटोमोबाइल 7% से, आपकी हाउसिंग, आपका सीमेंट इंडस्ट्री, सबके बावजूद डॉलर ऊपर है, आपका रुपया नीचे है। और सुनते जाए, मैं वो बताता हूँ डॉलर क्यों ऊपर है। और जब आप एक मुल्क के अंदर 4 साल एक डॉलर को आर्टिफिशियली जब आप रखते हैं, 25 अरब डॉलर दुनिया से कर्ज लेके ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके 105 पे रखते हैं और आखिरी साल में वो 128 पे ले जाते हैं आप, तो ये तो मसाइल आते हैं। आपने इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रखा हुआ है, ये चंद दिनों में हुआ है, क्या बात कर रहे हैं अली नवाज अवान सर, ये मई के महीने के आप नंबर्स निकाल के देख लें डॉलर कितने में था और आज कितने में, ये चंद दो चार महीनों की बात है। ये मैं ये नहीं कह रहा, अब मेरी बात समझी नहीं शादी, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी ना तो 128 रुपए पे डॉलर था, जब नून लीग की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त 95 रुपए का डॉलर था, तो 128 तक नून लीग की गवर्नमेंट लेके, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी और नून की आई थी, मैं वो बता रहा हूँ, आज 164-165 पे डील हो रहा है, इंशाल्लाह ताला ये नीचे आ जाएगा। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर ही बात की थी, पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त 16 अरब डॉलर के रिजर्व थे कमर्शियल और जो स्टेट बैंक के पास है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा फॉरन रिजर्व है जो 26 अरब डॉलर पे, पाकिस्तान की रिमिटेंसेज 10 अरब डॉलर से ज्यादा उठ गई है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 बंपर क्रॉप्स आई है, 1100 अरब रुपया नया इंजेक्ट हुआ है मार्केट के अंदर, किसान काश्तकार हमारा जो 70% पे मुहित है इस पाकिस्तान के अंदर, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है, पर कैपिटा इनकम 1,80,000। ठीक है ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब बुजदार साहब के बारे में कहते हैं बड़े उन्होंने काम किए, लेकिन लोगों को इसलिए लगता है कि तशहीर नहीं की उन्होंने, तो जरा बताना भी आप लोग पसंद करें कौन से काम है, नजर भी तो आने चाहिए, ये बात नहीं कि तशहीर करें तभी नजर आए, वैसे भी नजर आने चाहिए। फिर देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपकी पंजाब में आप देख लें आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बूम है कि नहीं है, आप जाके देख लें 1100 अरब रुपया नया इंजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। नून लीग के पूरे दौर में काश्तकार को मार दिया गया था शाजिया, आपकी पता है 1150 रुपये की स्पोर्ट प्राइस थी गंदम की, आपकी 100 रुपये पे लोग जो शुगर माफिया है वो गन्ना खरीदती होती थी, आपकी जो शुगर प्राइस थी आपको 60 से 65 रुपये और 100 रुपये काश्तकार को मिलता होता था, हमारी गवर्नमेंट ने आके उसके अंदर बहुत 55 रुपये पे छोड़ के गए वो नून लीग वाले, 55 रुपए पे चीनी बिल्कुल छोड़ के गए, उसमें काश्तकार को क्या मिल रहा था शाजिया, ये भी तो साथ बताए ना, 100 रुपया मिल रहा था और कितने अरसे बाद मिलता था, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, आज काश्तकार को 4 हफ्ते के अंदर पेमेंट होती है और रेट 300 से 380 रुपए, 300 से 380 रुपए, आपकी जो गंदम है आप कहेंगे वो तो 45 रुपए पे छोड़ के गए थे, तो आप बताए किसान को क्या मिल रहा था, 1150 रुपए, आज 1850 रुपए, आपकी कॉटन खत्म हो गई हुई थी, आज हमने उसकी स्पोर्ट प्राइस रखी 5000 रुपया और वो भी उस वक्त गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी अगर किसी काश्तकार को 5000 से कम पैसे मिले, वरना ये ओपन मार्केट खुद डिटरमाइन करेगी, इस वक्त 10000 रुपए के ऊपर गई हुई है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, एक आखिरी सवाल है, एहतिसाब के अमल से क्या हासिल हुआ आप लोगों को इन 3 सालों में, तीसरा सवाल है, देखिए मैंने आपको खुदाई बता दिया, आपको इंसानियत बता दिया, बिल्कुल शादी आप जी, अब जो आपने इंसाफ की बात की है ये इसमें हम समझते हैं इंसाफ, सुनते लेना इंसाफ के अंदर एहतिसाब है ना, तो मैं यही कह रहा हूँ जो हमारा मंशूर है इंसाफ उसके अंदर ही हम एहतिसाब है। आज अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी से पूछूं कि हमने जो एहतिसाब का नारा लेके आए थे क्या हम वो पूरा कर सके हैं, क्या लोगों को नजर आया है एहतिसाब होते हुए, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी जो अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी कि एहतिसाब में हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो हमें डिलीवर करना चाहिए था, हमारे नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं रिकवरी बेस पर, हम ये कहें कि हमने बहुत अच्छा डिलीवर किया हम नहीं कर सके, इंसाफ के जो हमारे निज़ाम है आज भी जो हमसे पहले जो निज़ाम था आज भी मैक्सिमम वही निज़ाम है कि अमीर के लिए कानून है गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, तो मैं ये समझता लेकिन जिन लोगों का एहतिसाब होते हमने देखा, जिन लोगों को साल साल जेलों में रहते देखा, उन लोगों से वाकई शहबाज शरीफ साहब सही कहते थे कि धेले की करप्शन साबित नहीं आप लोग कर सके, ये तो आज हम लोग करप्शन, अब देखिए अब ये जरा शाजिया इसके ऊपर देखिए हमारा काम है, हमारा ये काम है इंटेरोगेट करना, हमारा काम है चीजों को सामने लेके आना और उसके बाद अदालत का काम है कि उसको सजा देना, अब आपके हम पे नहीं जाते, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो इंसाफ का जो पहलू है उसके ऊपर हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो हमने लोगों से वादा किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब मेरे साथ, एक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आज आपने भी वो रंगारंग तकरीब देखी होगी 3 साल कारकर्दगी के हवाले से, जब वो कुछ आदाद शुमार बता रहे थे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को लेकर, टैक्स कलेक्शन के नंबर्स को लेकर। जब उन्होंने सारे नंबर्स बता दिए अपनी कारकर्दगी के हवाले से बता दिया कि नून लीग के दौर में ये नंबर्स थे, हमारे दौर में ये, तो साथ ही उन्होंने कहा ये इसहाकदार वाले नंबर नहीं है, ये ज़मीनी हकायक हैं जो हम नंबर्स बता रहे हैं। तो इसका मतलब वो कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि डार साहब आज तक आवाम को धोखे में रखते रहे हैं। देखिए मुझे बड़ी तकलीफ हुई है इसलिए कि मैं एक लम्हे के लिए भूल जाता हूं कि मैं एक सियासी जमात का रुकन हूं और हम ऑपोजिशन में हैं। मैं एक आम शहरी के तौर पे आपके सामने अपना मुकदमा पेश करता हूँ। अगर तो पिछले 3 सालों में मेरी जिंदगी में आसूदगी आई है, महंगाई में कमी हुई है, बिजली की कीमतों में कमी हुई है या बढ़ी नहीं है, गैस की कीमतें नहीं बढ़ी, अगर 106 रुपए से डॉलर 164 रुपए या 166 रुपए के जाके मेरी करेंसी बेतोकीर नहीं हुई, अगर मुझे अदालत में जाते सार इंसाफ मिल जाता है और थाने में मुझे चाय की प्याली पिलाते हैं और जब मैं पटवारी के दफ्तर में जाता हूँ तो वो पहले मुझे ग्रीट करते हैं, कुर्सी देते हैं और कहते हैं आप बैठे, मैं आपका अभी फर्द लेके आता हूँ, तो मैं खान साहब को इसी लम्हे एक देवता मान के मैं उनकी पूछा भी करने पे तैयार हूँ। बात यह है कि आप सिर्फ तकरीरें कर लेने से तो नहीं माहौल चेंज कर सकते, तकरीरें कर लेने से मुल्की मौशियत या जीडीपी या जो आपके मौशी इशारिये वो बेहतर नहीं होते। किसको नहीं मालूम कि पाकिस्तान की जो जो ग्रोथ रेट था वो 6.5 था। आप इन नंबर्स को चैलेंज करते हैं कि 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, डेफिसिट था जब वो आए, लेकिन आज ये रह गया 1.8 अरब डॉलर। फॉरेन करेंसी रिजर्व 16.4 अरब डॉलर थे जब वो आए, लेकिन आज है 27 अरब डॉलर। जो नंबर बता रहे हैं आप इनको चैलेंज करते हैं कि ये गलत नंबर बता रहे हैं। बिल्कुल मैं देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि करंट अकाउंट खसारा होने के बावजूद जो इम्पोर्ट हो रही थी वो इंडस्ट्री में और वो प्रोडक्टिव कामों में लग रही थी और उसकी वजह से आपका ग्रोथ रेट 6.5 पे था, वो माइनस में नहीं था गया या वो 1.5% नहीं था। बाकी जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे वो चाहे 16 अरब थे और आप 20 अरब है, लेकिन उस वक्त 106 रुपए का उदारा आप रुपए देने पड़ते हैं। इंसाफ करें ना, हम कब तक इन शोभाबाजियों में चले रहेंगे। रियलिटीज बता रहा हूं कि ये दो बहुत लगे हैं। तीसरा, आप आम आदमी से सड़क पे जाके पूछे कि उसकी जिंदगी 2018 में आसूदा थी या 2021 के अगस्त में आसूदा है, मुझे नहीं इन इशारियों से और इन जो गेमिक्स हैं इनसे मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं तो उस दिन खुश होऊंगा इमरान खान से जिस दिन पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास जो के हाथ फैला के जो इनके लंगर खाने में जाके खाना नहीं खा वो सकते, कहते हैं करप्शन करके इतना बेड़ा गर्क करके गई हैं पिछली हुकूमतें कि अब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगेगा। वो तो अल्लाह माफ करे, जिन्होंने तो वो करदा ना करदा गुनाह सारे पिछली हुकूमतों पे डाल दिए हैं। तो फिर आपने तो बड़े स्टेटिस्टिकली चीजों को पहले काम किया हुआ था, टीमें बनाई हुई थी आपने, तो एक्सपर्ट्स की टीम बनाई थी जो 6 दफा तब्दील कर चुके हैं, जो हुकूमत स्टेट बैंक के 6 गवर्नर FDR के 8 चेयरमैन तब्दील कर चुकी हो आज तक और उनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है फाइनेंशियल गवर्नेंस में, उनकी किस बात पे हम यकीन करें। और मैं तो फिर वही कहता हूँ, वैसे एक चीज को तो अप्रिशिएट करें ना आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये पहली हुकूमत है जो इस तरह हर साल अपनी जो कारकर्दगी है, पहले 100 दिनों की कारकर्दगी अच्छी है बुरी है वो एक अलग बात है, उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकती है, लेकिन कैसी कारकर्दगी उनकी रही, हर 6 महीने बाद साल बाद वो बताते हैं कि 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो बताते तो हैं, आवाम के सामने रखते तो हैं, अच्छी है या बुरी है। अच्छा ऐसे करें कि आप एक अवामी शो करें जाके रीगल चौक पे या लक्ष्मी में जाएं या लाहौर की किसी सड़क पे या इस्लामाबाद के किसी चौराहे में और फिर ये इनके स्लाइड्स भी आप साथ, ये अपनी तारीफों के डोंगरे बजाने के लिए एक ढोंग रह जाते हैं, तो क्या हम इतने मासूम हैं पाकिस्तानी शहरी की इनकी बात मान लें। आप जाए ना अपनी टीम को लेके पूछे आम आदमी से कि उसकी जिंदगी में कितने सुख
खाए वो आपको बताए। वो कहते हैं एहसास प्रोग्राम से आम आदमी को सुख मिल रहा है, हेल्थ कार्ड वो जो दे रहे हैं केपीके में तो पहले से था, पंजाब में भी मिल रहा है लोगों को, इससे भी लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर जो लंगर खाने उन्होंने खोले हैं उससे भी रिलीफ मिलेगा। वो कहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा ऊपर जा रही है, रिकॉर्ड आपका सीमेंट बिक रहा है, रिकॉर्ड आपकी गाड़ियां बिक रही हैं, जिससे कह रहे हैं कि आम आदमी जाहिर है उसकी पॉकेट में इजाफा हो रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरे लिए हैरानगी तो ये है ना कि आपके सामने सारे इशारे हैं, फिर जो महंगाई का इंडेक्स है वो आसमान से बातें क्यों कर रहे हैं आप? बाकी सारा छोड़ दें, आपकी जो करेंसी है उसकी बेतकीरी का आलम देख लें कि 18 में आपको जो जिसमें आप ट्रेड करते हैं पाकिस्तान जिस करेंसी में ट्रेड करते हैं यूएस डॉलर में, वो आपको 106 रुपए 108 रुपए पे मुयस्सर था, आज आपको 166 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपके जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो कहीं के कहीं चले गए, आपकी तनख्वाहों में 10% इजाफा है, महंगाई का इंडेक्स 36% ऊपर चला गया है, आपने 200 लंगर खानों में 2000 लोगों को खाना खिलाना शुरू करके आप 24 करोड़ आबादी का मजाक उड़ा रहे हैं, उन बंदों के बारे में आप क्या सोचती होंगी? लंगर खाने खोल कर अगर वो खाना खिला रहे हैं, इस बात पर तो वैसे तनकीद का जवाब नहीं बनता आजम नजीर तारड़ साहब। नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर लोअर मिडिल क्लास के लिए, वो लोग जो कि लंगर खानों में जाके लाइन में लग के रोटी नहीं मांग सकते, वो लोग जो कि अपने छत के नीचे सोना चाहते हैं लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि उनका पंखा चलता रहे या उनका डेजर्ट कूलर चलता रहे, आपने उनके लिए जिंदगी जो है वो अजीरन करके आपने लंगर खाने और एहसास प्रोग्राम के वो जो आराम गाहें हैं वो बना दी हैं 20,000 लोगों के लिए, तो आपके ख्याल में 25 करोड़ आबादी का सब अच्छा दिखा गया, ठंड प्रोग्राम हो गया? वो खुदा का खौफ करे हुकूमत लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, मुआशी जो इंडेक्स है उसको ठीक करें, जो आपकी इकोनॉमिक गवर्नेंस है और ग्रोथ है उसकी तरफ तवज्जो करें, गवर्नेंस बेहतर करें, इस तरह ये ढोंग रचाने से तो नहीं चीजें ठीक होंगी ना, अल्लाह माफ करे ये तो और तबाही की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर आजम नजीर तस्लीम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुझे ज्वाइन करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी रंगारंग तकरीब से खिताब किया, अपनी 3 साल कारकर्दगी के बारे में पूरी आवाम को बताया कि इन 3 सालों में कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने आए, किन किन मुश्किल हालात से गुजरे, कोरोना आया, पुलवामा आया, बहुत से चैलेंजेस को उन्होंने बड़ी कामयाबी से उबूर किया, किस हद तक दुरुस्त लगते हैं आपको हुकूमत के ये दावे शहरी साहिबा? देखिए, ये 3 साल की बदतरीन कारकर्दगी के जो शादियाने मना रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता ये किस दुनिया में रह रहे हैं, किस सैयारे पर रह रहे हैं, लगता है कि इस प्लेनेट पर नहीं है वो, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब इलेक्शन की कैंपेन और नैरेटिव मेकिंग के दौर से निकले ही नहीं है, बस इनका एक बयानिया होता है जो इनके जहन में है और बस वो आगे उसी को देख रहे हैं। हैरत तो ये होती है कि बल्कि होशरुबा महंगाई मुल्क में है और सूरत हाल बहुत ही संगीन है, लेकिन हैरत ये होती है कि ये बिल्कुल ज़मीनी हकायक से अपने आप को अलहदा रखे हुए हैं और जो बात करते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इनको कुछ समझ नहीं है कि ज़मीन पे होकर क्या रहा है, इसको प्लेट पर उनको कुछ दे दिया गया है और वो उसी प्लेट को लेके आगे पीछे कर रहे हैं और ये समझते हैं कि बस हमने बयानिया अगर अच्छा कर लिया और टीवी पे आगे और फीते काट काट के हम अपने आप को कामयाब। लेकिन आज कुछ नंबर्स भी उन्होंने बताए अपनी कारकर्दगी को लेकर मौशी लिहाज से, उन्होंने कहा कि जब हम आए तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ये था 20 अरब डॉलर और आज ये डेफिसिट है 10.18 अरब डॉलर। फॉरेन करेंसी के रिजर्व उन्होंने बताया 16.4 अरब डॉलर थे, आज उन्होंने कहा माशाल्लाह 27 अरब डॉलर पर हमारे रिजर्व चले गए हैं। टैक्स कलेक्शन के बारे में भी उन्होंने बताया कि जब हम आए तो टैक्स कलेक्शन के नंबर थे 3,800 अरब,
आज ये नंबर पहुंचे हैं 4,700 अरब पर। फिर उन्होंने कहा कि जब हम आए तो रेमिटेंसेस थे 19.9 अरब डॉलर और आज रेमिटेंसेस हैं 29.4 अरब डॉलर। साथ ही उन्होंने ये वाजे किया कि ये साग डार के बताए हुए नंबर्स नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी ये नंबर्स है जो हम बता रहे हैं। जी मुझे नहीं पता, देखिए किसकी वो कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं। सबको मालूम है, एक ये ऊपर बैठ के अपने पोडियम से, अपने जो जहन में इनके कंटेनर है वहाँ से ये ऐलान करते हैं, वहीं से ये फीते काटते हैं, वहीं से ये नैरेटिव जंग चलाते हैं, पूरे मुल्क को तकसीम करते हैं और नीचे इनकी नज़र नहीं आती, इनको नज़र नहीं आता। करंट अकाउंट डेफिसिट कह लें, जो भी कह लें, उसके भी बहुत दलाए दे सकते हैं ये क्यों इस सूरत हाल में। इस वक्त तो रुपया फ्री फॉल में फिर आ गया है डॉलर के सामने, जो कर्जे हैं वो इतने हो गए कि पाकिस्तान के अब खर्चा जो है, पूरा खर्चा पाकिस्तान का वो कर्जों से उठाया जा रहा है। पहली दफा पूरा कर्जा पाकिस्तान का, कोई रेवेन्यू की बात आप क्या कर रहे हैं। आपके तो जो FBR के चीफ 6 हो चुके हैं, जो महवर होती है हर कौम की, रेवेन्यू कलेक्शन के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और उसमें इजाफा करना तो दूर की बात। इनके तो 6-3 साल में 6 FBR चीफ्स बदले, मजाक बना दिया है जी। और उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि कैसे LNG में होगा, कैसे लोग फैसले लेंगे टाइम पर, बर वक्त कैसे कीमतें कोट होंगी या हम सही फैसले करेंगे, क्योंकि हमारे ऑफिशियल्स तो सब नैक से परेशान हैं। एहसास प्रोग्राम को देख लें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को देख लें, फिर कोरोना को लेकर स्पेशली आलमी मीडिया में भी इस पर डिस्कस हुआ कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो पॉलिसीज अपनाई, जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन करके अपने लोगों को जो है ना वो भूखा रहने से भी उन्होंने बचाया, अपने लोगों को कोरोना से भी उन्होंने बचाया। सख्त लॉकडाउन पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान ने नहीं किया, इस पर इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की। पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि इन 3 सालों में कोई तो एक काम होगा जिस पर आप लोग कह सके कि हाँ ये ठीक किया है, इस पर हम हुकूमत को दाद देते हैं, इस पर हुकूमत को वाकई जो ना अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई तो एक काम होगा इन 3 सालों में। मैं आपको बताती हूँ, देखिए बहुत से हम अगर कोई बात सराहने की हो तो जरूर सराहें, इसमें कोई सियासत दर सियासत पे कोई अच्छा भी नहीं लगता कोई करता हुआ, ठीक है ना। आप भी नहीं कहेंगी अप्रिशिएट करेंगी, कोई नहीं अप्रिशिएट करेगा कि हम जबरदस्ती हर बात को काला को पेंट कर रहे। बात असल में ये है, इन्होंने चाहे औरतों के हकूकों उन पर जो जलती पे तेल डालते हैं अपने बयानात के हवाले से, चाहे वो उनको आज़ादी की नेशनल क्यूरिकुलम हो, क्या तबाही फेर रहे हैं। आप देखें मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, होशरुबा महंगाई है जमीन पर जो उनको नजर नहीं आ रही है, बेरोजगारी इतनी हो गई है। इन्होंने कोविड में बजाय लोगों को तहफ्फुज़ देने के, उनकी नौकरियों को तहफ्फुज़ देने के, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल दिया कि जी हमारा कारनामा है, जबकि वो आईनी तौर पर कर सकते और सारा इंटरनेशनली फाइनेंस थे, वो पेपर्स जब आते हैं वो सब उसको BISP कहते हैं, कितनी सुक्की होती है जी इंटरनेशनली वो कहते हैं, बिकॉज साइनिंग तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे होती है। ये सारी बातें जी, तो ये बस फीते काट के अपना स्टिकर चिपका देते हैं कि जी ये हमारी कारकर्दगी है, और अब जो करने जा रहे हैं ये तो सोने पे बहुत ही ज्यादा सुहागा। मीडिया की जो कलम बंदी और आवाज बंदी करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले हमने कभी नहीं देखा है। जो बदतरीन आमिर भी नहीं कर चुके हैं वो ये करने जा रहे हैं, क्योंकि और ये करने की जरूरत इसलिए करी क्योंकि इनको तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, तनकीद बहुत हो रही है और तनकीद जरा सी भी इनको बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो एंकर को हटा लें चाहे वो कलमबंदी कर लें, वो इस तरह की बातें। अब तो वो रेगुलेशन के लबादे में जो करने जा रहे हैं, ऑपोजिशन इसको जाहिर अपोज तो करिए, इसका रास्ता कैसे रोकेंगे आप लोग। देखिए ये हर चीज, और ये इन्होंने अपनी पूरी प्रेसिडेंशियल पूरी पेरिस को, जहां आपको याद है यूनिवर्सिटीज बनने वाली थी, क्या क्या बनने वाला था, खैर वो सब बातें पैसे बेच के वहीं आए और वही VIP कल्चर बल्कि डबल हुआ, और उन्होंने फिर वहां से क्या किया, उन्होंने उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या कर रही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बस अपनी 120 कर कर करके वो किसी तरह टुक टुक करके निकालते हैं, और खौफनाक मतलब पब्लिक हेल्थ सेक्टर उन्होंने तबाह कर दिया, PMDC को तबाह करके रोडों पे खड़े रहे खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स, वहां जो सूरत हाल है उनके जो अंकल चला रहे हैं वो सब
सामने है कि अब आपके जो इम्तिहान है वो भी कोई एक्नॉलेज करने हैं, इंटरनेशनल डिग्रीज कोई नहीं। आपको भी पता है हुकूमत करप्शन को खत्म करने का नारा लेकर आई थी, एहतसाब का नारा लेकर इक्तदार में आई थी। अब करप्शन को खत्म करने का नाम लेकर जो एहतसाब हो रहा है, आप लोग तो इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई का जाहिर है इसको कह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन भी जाहिर है कौन चाहता है कि हमारे मुल्क में करप्शन हो, तो इस पर भी आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि करप्शन को ख़त्म करने का जो अलम उठा रखा है इस हुकूमत ने, इसको ही अप्रिशिएट आप लोग करें? सियासी इंतकाम मैं फिर कह रही हूँ, उनके अपने मिनिस्टर ने जो बातें की है वो ही सुन लें। शौकत अली ने क्या कहा है कि नैब की वजह से पूरा फड्डा बैठा हुआ है मुल्क का, कोई फैसले करने तैयार नहीं है, कोई फाइल चलाने तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए इन्होंने कौन सी बात, ये बदतरीन करप्शन का दौर है, लेकिन ना चीनी स्कैंडल हो जाए, आटा स्कैंडल हो जाए, रिंग रोड स्कैंडल हो जाए, वो उनकी बनीगाला रेगुलराइज हो जाता है, दूसरों के ऊपर आप ट्रैक्टर चलाते हैं, बहुत सारी ऐसी स्कैंडल्स सामने हैं, मतलब मालम जब्बा है, BRT है, क्या क्या है, वो सब ठीक है, वो सब अपनी तरफ है, कोई किसी की सर पे जूनी रेंगती है और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जी ऑपोजिशन पर, बेल साल डेढ़ ढाई ढाई साल बेल नहीं दी जा रही। नसाब तालीम को लेकर हुकूमत सिंध तो इसको बड़ा अपोज कर रही है, आप समझते हैं इतना आसान होगा पूरे मुल्क में इसको इम्प्लीमेंट करवाना? एक तो देखिए इन्होंने कोई पब्लिक में डिस्कशन नहीं की इसके बारे में, इसको एक लिबादे में रखा और फिर एकदम से कहा कि बस हम यकसा निसाब ला रहे हैं, और उस पर बहुत सारे लोगों को जो इन पर जो तनकीद करते थे उनको तो उन्होंने कंसल्टेंट लगा दिया है, मतलब खरीदा जा रहा है सारा ऑपोजिशन निसाब का, और वो सिर्फ को खरीद नहीं पाए। मगर इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप यकसा निसाब ला रहे हैं और कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें इंग्लिश पढ़ने से या सीखने से आएंगी, जब जो सारी दुनिया में अपवर्ड मोबिलिटी की जबान है, अगर आपको जॉब देना है, आपको पाकिस्तान का मुकदमा भी लड़ना है तो आप अंग्रेजी में अक्सर बेशतर करते हैं, अब बिकॉज हर मुल्क में एक से दो जबानें होती हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होती हैं, आप उसको कोलोनियलिज्म खुद अगर किसी ने ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना है वो उर्दू में तो नहीं पढ़ेगा, उसका इंटरव्यू होना है या उसने नौकरी लेनी है वो उर्दू में तो नहीं होगा सारा काम, पे नहीं आना चाहती, लेकिन अपनी खुद मिसाली जिंदगी की बात करें ना, हाँ। तो आप जाएंगे स्टैनफोर्ड पढ़ने जाएंगे, MIT जाएंगे, साइंस को किसी उरूज पे ले जाएंगे, माशरों में इन्वेंशन लाएंगे, नया जो IT कल्चर है, टेक स्टार्टअप कल्चर है, वही रास्ता आपको दिखा सकता है, लेकिन आप वो किस जबान में करेंगे, सारा उर्दू में तो नहीं होगा। इसको भी लागू करना चाहिए कि जितने भी मिनिस्टर हैं, मुशीर हैं, वजीर हैं, सबके बच्चे फिर यहीं पढ़े, अगर आप इतना ही जबरदस्त किस्म का सिस्टम लेकर आ रहे हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक ही निसाब होगा, तो फिर आप फिर तो उस दौर से बाहर निकल जाना चाहिए ना, कि जिसके पास पैसा है वो बाहर भेज दे, फिर अपने मुल्क का जो आप सिस्टम है फिर उसी में रहते हुए अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, नहीं पढ़े ना, फिर आप मिसाली एक निजाम बना रहे हैं तो मिसाली स्कूल हो और पायलट प्रोजेक्ट्स भी चला लें, बेशक वहां पढ़े आपके बच्चे। हम तो अपनी फैमिली को, जब मैं 2 महीने भी हेल्थ मिनिस्टर थी, मैंने तो अपनी फैमिली को कहा कि जो ऑपरेशन कराना है अपने PIMS में कराना है, क्योंकि हम नहीं बाहर जा सकते, हमें यहीं कराना है, हम मुल्क में रह रहे हैं, यहीं मरना है, यहीं जीना है, और हम लोगों को हौसला कैसे देंगे, और जो फैसिलिटी वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, दो पाकिस्तान है यहाँ पे, दो पाकिस्तान। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ, बड़ी गहरी नजर है आपकी इन मामलात पर। इस वक्त अफगानिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है, मगरबी ममालिक भी खबरदार कर रहे थे कि काबुल में का जो हवाई अड्डा है यहाँ पर दहशत गर्दी का खतरा है, और वैसा ही आज हुआ, फायरिंग हुई, धमाका हुआ, अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो 13 जाने जो है वो जाया हो चुकी हैं। क्या हो क्या रहा है, ये क्या साजिश है, बैकडोर हम देख रहे हैं, मुलाकातें भी चल रही हैं, अमरीकी काबुल भी आ रहे हैं, खुफिया दौरे होते हैं चले जाते हैं, ये क्या लग रही है आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल? जी बहुत ही संगीन और खतरनाक सूरत हाल है मेरे ख्याल में। मुझे नहीं पता, कुछ मिनिस्टर्स शादियां मना रहे हैं तो उनका उनकी अपनी फहम और वो खुद ही जवाब दे होंगे लोगों से, लेकिन अफगानिस्तान में एक तो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर अनफोल्ड हो रहा है जी। मुझे लगता है 80,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से इवैक्यूएशन मांग रहे हैं, और उनको देने की मंसूबा बंदी पहले तो की थी कि बर्लिन एयरलिफ्ट से ज़्यादा बड़ा जो दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ था वैसा करेंगे ये वो, लेकिन
हो ये रहा है कि इतनी अफरा तफरी है और जो अस्करियत का एक दौर है वो खत्म हो रहा है, ना हालात पे काबू पा नहीं हो रही। जो पॉलिटिकल सेटलमेंट जिसकी हम हमेशा से बात करते रहे, हमारी हुकूमत से पहले दिन से ये बात हुई थी कि अस्करी हल नहीं है, 2008 से हमने ये सूरत हाल शुरू की, कोई फेवरेट्स नहीं होंगे अफगानिस्तान में। देखिए ये होते होते जिस तरह अमरीका ने एक डेडलाइन अनाउंस कर दी ना कि हम जा रहे हैं बस हम जल्दी जाएंगे और ये हमारी डेडलाइन है, तो उसके बाद तालिबान ने कहा कि हमने क्यों मुज़ाकरात करने, आपने उनको 5,000 उनके कैदी भी छोड़ दिए जो टेरमो प्रिजन और यूएन की टेरर लिस्ट पे थे, उसमें से कुछ टीटीपी और लेकिन आप देखिए ना अमरीका हर लिहाज से ताकतवर है, फौज के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, पूरी दुनिया की फौज उनके साथ, टेक्नोलॉजी के लिहाज से। अगर मजीद रुकना चाहते मुकाबला करने की तो बात ही नहीं थी, कहाँ तालिबान के 60,000 जंगजू, कहाँ 3,00,000 की फौज, तो बहुत फर्क था। तो ये फिर जिस तरह वो एकदम इनखला करके गए हैं, अमरीका ने जो फैसला किया, ये तो फिर हार मारने के मुतरादिफ ही था ना शरी साहिबा। आप कह रही हैं जो भी नैरेटिव बना लें उनको, ये तो एक तारीख का जबर है जो ये कभी नहीं भूल पाएंगे, ना जितना भी वो इसको इवैक्यूएशंस में ड्रेस अप कर लें कि हम मैनेज कर रहे हैं, वो ये जो वो भी नहीं हो पा रहा ना, वो भी सूरत हाल इतनी संगीन है। तो ये तो साइगोन से बदतर, साइगोन किसी उनके अपने ही अमरीकन सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ अमरीका बहादुर को, अमरीका द ग्रेट, ये वो, ये सारी बातें अमरीका की लेगेसी, अमरीका की ग्रेटनेस, उसकी ताकत, उसका पावर, सब सब सवालिया निशान तोड़ गया कि आप 20 साल से वहां थे और आप जब हैं तो इस तरह निकले हैं। सियासी मजाकरात बाकियों को कराने पड़ रहे हैं और जब जो भी मजाकरात होंगे अब तो वो फाते की विक्टर्स के पीस होगा ना, फाते का पीस होगा। मैं ऑलरेडी इन पावर हूँ आप लेकिन यहाँ तो लोग इतने ज्यादा मुतमईन है सिचुएशन पर कि ऐसी तजावीज आ रही है कि जिस तरह तालिबान ने वहां आम वाफी का ऐलान किया अपने दुश्मनों के लिए, आप लोग भी करें अपने यहाँ पर दुश्मनों के लिए, पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें, उन्हें हथियार फेंकने पर आमादा करें, उनको शामिल करें अपने साथ, यहाँ पर तो ये तजावीज़ आ रही हैं। अम्मी मुझे तो नहीं पता आप किस तरह इतनी तेज़ी में आम माफ़ी मुल्क में कैसे दे सकते हैं, इतनी मुश्किल से हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, 70,000 हमने जानों का हमने शहादतें दी हैं और उससे बहुत बढ़ के हमारा कैपिटल लॉस हुआ है, यानी कि पैसे भी हमारे अरबों खरबों रुपए में खर्च हुए हैं। तो किसी को अंदाज़ा नहीं है किसी और मुल्क को कि पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की है इन जंगों की, और हमारा अपना घर जल रहा था, हम नहीं कह सकते हैं किसी और की जंग। एक तो आवाम को कंफ्यूज करके रखना होता है यहाँ लोगों ने कि जी किसी और की जंग हम क्यों लड़े, ओ भाई जब आपका घर जल रहा है, मैरियट में बॉम्बिंग हो रही है, खानकाह में, हर सूफी खानकाह में हो रही है, अस्पताल में हो रही है, स्कूलों में हो रही है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, आप किधर जाएंगे? आप कहेंगे नहीं जी वो तो किसी और ने लगाई थी। यू हैव टू बी क्लियर, एक क्लैरिटी मुश्किल है। और कोविड और कश्मीर और अफगानिस्तान और प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शरी रहमान साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन अब अफगानिस्तान की सूरतेहाल अब गैर यकीनी से बढ़कर खौफो हरास बल्कि खून रेजी में दाखिल हो रही है। आज इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर धमाका और फायरिंग हुई जिसके नतीजे में दर्जनों जाने चली गईं। गुज़श्ता रोज़ दाइश की तरफ से इस दहशतगर्दी के मुमकिन वाक़े की अमरीकी रिपोर्ट्स भी आ रही थी और अफगान शहरियों को यहाँ से हट जाने की हिदायत भी की जा रही थी। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि तारीखी तौर पर जंगजू होने के बावजूद अफगान कभी भी करप्ट हुकूमत के लिए नहीं लड़े, इसी वजह से थोड़े से तालिबान के आगे भी अफगान अफवाज और अवाम खड़े नहीं हुए। ये बात पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कही। उन्होंने अफगानियों को एक बहादुर कौम करार देते हुए कहा कि अब हम किसी पराई जंग में कभी हिस्सा नहीं लेंगे। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, ज़रा सुनिए।
70,000 से 80,000 लोगों की हम कुर्बानी देगी किसी और की जंग लड़के, और उसके बाद वही हमें कहना शुरू हो गया कि नहीं जी आपकी वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। हमारी फॉरेन पॉलिसी अब ऐसी है कि हमने कोई किसी के साथ, हमने अमन में शिरकत करेंगे, किसी की जंग में हमने शिरकत नहीं करनी। कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस तरह तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं, कई लोग कहते हैं जी देखें बड़े बुजदल हैं वो लड़े नहीं, ये जेन में डालने के अफगान कौम दलेर कौम है, ना डर कौम है, वो इसलिए नहीं लड़े, जो एक करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ता। जिस वक्त आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अफगानियों की ये बात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका हुआ, फायरिंग हुई। दहशतगर्दी होने से पहले तक, ये वाकया होने से पहले तक हज़ारों लोग रश लगाकर खड़े थे जो मुल्क से निकलना चाहते थे, और इस रश को तालिबान और नेटो फौजी मिलकर कंट्रोल करने में लगे हुए थे, जिस पर दुनिया खासी हैरान है कि लगता ही नहीं कि कभी कोई जंग भी थी यहाँ पर, बल्कि गुज़श्ता दिनों बरवक्त फौजों को अफगानिस्तान से ना निकालने पर थोड़ी बात भी बिगड़ने लगी थी, और तालिबान ने 31 अगस्त तक ना निकलने पर नतायज की धमकी भी दी, तो अमरीकी सदर जो बाइडन खुद सामने आए और ये बात वाजे की कि अमरीकी फौजें मुआहदे के मुताबिक ही अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। तुर्क फौज जो तालिबान के आने के बाद भी काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करने पे पुरअज़्म थी, उन्होंने भी अफगानिस्तान से अब निकल जाने का फैसला किया है, लेकिन सब अफवाज के निकल जाने के बाद अब अमरीकी कमांड ने पाक फौज से ये दरख्वास्त की है कि हम तो निकलना चाहते हैं तो 31 अगस्त तक इनखला में पाकिस्तान हमारी मदद करे और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाले। सिर्फ यही नहीं, ज़रा ये भी बताते हैं कि अमरीका कुछ अफगान महाजरीन को अमरीका ले जाने से पहले कुछ अरसा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कैंपों में रखना चाहता है। दूसरी तरफ तालिबान जहां हुकूमत साजी के लिए लचक दिखा रहे हैं और अपनी रिवायत से हटकर अपने मुखालिफीन से बात भी कर रहे हैं, पैगामात भी दे रहे हैं, वहीं यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के ख्वातीन के हुकूक पर तहफुजात भी तवक्को से हटकर उसमें भी लचक देखने में आ रही है। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी हुकूमत में ख़वातीन चेहरा छुपाएं या नहीं ये उनकी मर्जी होगी। तालिबान ने वाज़े किया कि काबुल में मीडिया के इदारों में जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो स्कार्फ लेती हैं जो उनकी अपनी मर्जी है। तालिबान के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ख़वातीन पर पर्दे और उनके काम करने को लेकर सख्त पाबंदियाँ लगाई गई थी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी औरतों के हकूक़ को लेकर मगरबी दुनिया के इस एतराज़ पर तनकीद की कि कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क में ख्वातीन को हकूक नहीं दिलवा सकता। क्या कहा इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जरा देखिए। टीवी प्रोग्राम देखता हूँ ये आजकल, ये जो अफगानिस्तान के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यूरोप सारी दुनिया मगरब में कि जी वो अफगानिस्तान की औरतों की बड़ी बुरी, उनको उसको फिक्र पड़ी अफगानिस्तान की औरतों की, वो जी पता नहीं तालिबान क्या कर देंगे औरतों। कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी ने बाहर से आके किसी मुल्क की औरतों को हुकूक दिलवाया आज तक? ये था हमारा आज का प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।